नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका। पुरुष बन महिला ने की दो दो शादियां। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। धोखा देना तो लोग आम बात समझते हैं, चाहे वो धोखा कोई पुरुष दे या कोई महिला दे। और आज के दौर में शादी विवाह जैसी चीजों को भी लोगों ने आम समझ लिया है। वह कभी भी शादी कर रिश्ता बना लेते हैं और कभी भी उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। आज जो खबर हमारे सामने आई है वह है कि पुरुष बन महिला ने की दो शादियां। यह खबर है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की। इतना ही नहीं, सिर्फ उस महिला ने पुरुष बनकर दो महिलाओं के साथ शादी की नहीं बल्कि उनके साथ चार सालों तक अयाशी और गुमराह भी किया। इस मसले का खुलासा तब हुआ जब पुरुष बनी महिला की दूसरी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। यह कहानी इस तरह थी कि वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 2014 को काठगोदाम निवासी एक महिला की शादी उत्तर प्रदेश के धामपुर जिले बिजनौर के निवासी कृष्णा सेन से हुई। वह दोनों शादी के बाद हल्द्वानी के मला गोरखपुर इलाके में किराए के मकान पर रहने लगी। हल्द्वानी पुलिस रिकॉर्ड में अब तक का यह सबसे चर्चित, हैरानी भरा और दिमाग पर जोर डालने वाला मामला था। आज तक हमने सुना है कि पुरुष महिलाओं को धोखा देते हैं, पर यह पहला मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने पुरुष बनकर दो महिलाओं को धोखा दिया है। इस मामले के चलते चलते ही पुरुष बनी महिला यानी पति ने CFL की फैक्ट्री लगाने की बात की और अपनी पत्नी से अलग अलग किस्तों में 8 लाख रुपए लिए थे। जब 2016 में पहली पत्नी को उसके पति की दूसरी शादी के बारे में पता लगा तो जांच पड़ताल में उसका मेडिकल कराया गया और मेडिकल की रिपोर्ट में उसकी लड़की होने की बात सामने आई। ये थी SM News की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।